मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। घर का दरवाजा खोलने में देरी हुआ तो बीवी को बच्चों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला का नाम शिवानी कपूर बताया जा रहा है। शिवानी कपूर अपने पति आदित्य कपूर और दो बच्चों के साथ में लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में रहती थी। उनकी शादी 2002 में हुई थी। खबरों के अनुसार आदित्य ने पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाने पर उसने घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जब नहीं खुला तो उसके बाद चीखने चिल्लाने लगा, मगर जैसे ही शिवानी ने घर का दरवाज़ा खोला दोनों के बीच में बहस हुई और बहस के बाद आदित्य ने चाकू से शिवानी पर 5 वार किए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बच्चे भी वहाँ मौजूद थे और ये पूरी घटना के दौरान जब चीख पुकार मची तो चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और शिवानी को किसी तरह से आदित्य के चंगुल से छुड़ाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पड़ोसियों ने आदित्य को कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन आदित्य घर की खिड़की के रास्ते से फरार हो गया। अब पुलिस आदित्य की तलाश में जुटी हुई।